तो टास्क टू का 7+ बैंड का सैंपल आज लाइव लिखने जा रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। इस सैंपल में आपको पता चलेगा कैसे इंट्रो, कैसे बॉडी, पैराग्राफ की फॉर्मेशन होती है, जो आईडीपी बोलती है उस अकॉर्डिंग, जैसे टेम्पलेट्स हैं या जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं वैसे नहीं। तो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे और बहुत सी गलतियां बच्चे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं आपके टॉपिक पर। टॉपिक है चिल्ड्रन आर फेसिंग मोर प्रेशर नाउ डेज फ्रॉम एकेडेमिक, सोशल एंड कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव। कह रहे हैं भी बच्चे जो हैं आजकल बहुत प्रेशर फेस कर रहे हैं, और वो प्रेशर किन किन केसेस में है, चाहे उनकी स्टडी के बारे में बात करें, चाहे सोशल मतलब सोसाइटी के बारे में, कमर्शियल मतलब लाइक बिजनेस, ट्रेड, वैसी चीज़ों के बारे में बात करें, मतलब ये तीनों सेक्टर्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रेशर, तो कारण क्या है, ये प्रेशर क्यों बच्चों पे पड़ रहा है, और दूसरा व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस द दिस प्रेशर, और इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप इस चीज को देख लें, ये है जो आपका टाइप है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप, या आप कह सकते हो रीजंस एंड सॉल्यूशंस आपने बताने हैं इस ऐसे में। आपने 1 BP आपका रीजंस का बनेगा और 1 BP आपका सॉल्यूशंस का बनेगा। यहाँ पे कॉजेज है मतलब आपको एटलीस्ट 2 कॉजेज बताने पड़ेंगे, और सॉल्यूशन में ऐसा मेजर्स हैं आपको 2 सॉल्यूशन भी बताने पड़ेंगे, चाहे आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो भी, यहाँ पे 3 सेक्टर्स दिए गए हैं, एकेडमिक, सोशल और कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव। अब आपको तीनों के ऊपर एक एक पॉइंट देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग चलना है। आप किन्हीं 2 चीजों को उठा लें उनमें बता दें, किन्हीं इन 2 चीजों को उठा लें उनको लिख दें, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 आइडियाज, 2 रीजंस दे देने हैं, चाहे किसी को भी उठा लें इन तीनों में से 2 को, और अपना बीपी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है। सो एक प्रेशर तो उनकी एकेडमिक वाला ही है। एकेडमिक में प्रेशर क्या आता है उनको, लाइक कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, कॉम्पिटिशन कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, लाइक 12th करते हैं बच्चे, अगर उनको किसी कॉलेज में जाना है या फिर कॉलेज के बाद किसी स्कूल के बाद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे नीट वगैरह का टेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा उनमें, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। मतलब उतनी ज़्यादा लाइक सीट्स नहीं होती, जब बच्चे उससे 10, 20, 30 गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो कंपटीशन है बच्चों का। और सोसाइटी में अगर आप लेके चलें तो सोशल प्रेशर बच्चों पे पेरेंट्स का भी रहता है, तो पेरेंट्स का भी रहता है, भी पेरेंट्स का प्रेशर ये रहता है भी हाँ भी आप कामयाब हो, पढ़ो ज़्यादा, ये करो वो करो, बहुत से प्रेशर हैं जो पेरेंट्स का रहता ही रहता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं आज इस टॉपिक में बात करूंगा, ठीक है। देन सोल्यूशन के तौर पे आप अपना लाइक वो ले सकते हो भी, एक तो एक जो अगर इसकी बात करें कंपटीशन वालों की, जैसे जो उनकी कट ऑफ लिस्ट होती है वो रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है, या फिर सीट्स ज़्यादा अवेलेबल करवा दें यूनिवर्सिटी कॉलेज, और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, जो उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको जाना चाहिए। तो ये आपके मैं यहाँ पे रीजंस एंड सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो की। इंट्रो में बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं, पहले अपनी जनरल लाइन लिखते हैं। देखो जनरल लाइन नहीं लिखनी, मैं सारी वीडियोस में कह रहा हूँ, और ना ही वो थीसिस आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ वाली नहीं लिखनी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रो, बिल्कुल नॉर्मल इंट्रो। मैं हमेशा अपनी इंट्रो इट से स्टार्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन आर फेसिंग मोर प्रेशर नाउ डेज, दिस 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 जो प्रोस्पेक्टिव है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट कैन बी सीन कॉमनली, इट कैन बी सीन कॉमनली डैट चिल्ड्रन आर प्रेशराइज्ड, वर्ड लगा लें हमें प्रेशराइज्ड, किन किन टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ जो लिखी हुई है आपकी एकेडमिक, सोशल एंड कमर्शियल। देखो कई बच्चों का ये रहता है भी हम हर एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग करें, आईडीपी कह रहा है भी ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हर एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग करें। अगर आप पूरी लाइन में 2 वर्ड्स के भी सिनोनिम लिखते हो तो वो आपके पैराफ्रेजिंग में काउंट होगा। तो प्रोस्पेक्टिव्स में आप चैलेंजेस बोल सकते हो, यहाँ पे चैलेंजेस, दैट्स इट। तो ये है आपकी नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग भी इट कैन बी कॉमनली सीन आई गेस, इट कैन बी सीन कॉमनली, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्रेशराइज्ड इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक, सोशल एंड कमर्शियल, ठीक
चैलेंजेस, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं आपने पैराफ्रेजिंग के बाद क्या करना है। पैराफ्रेजिंग के बाद आपने अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है कॉजेज क्या है और सॉल्यूशन क्या है, तो मैं सीधा लिखूंगा, सो द मेन रीजंस आर, द मेन रीजन बिहाइंड दिस सिचुएशन, थोड़ा ऐसे लिख दो, बिहाइंड दिस सिचुएशन इज, एक तो कंपटीशन है, इंक्रीजिंग ऑफ कंपटीशन लिख दो, इंक्रीजिंग ऑफ कंपटीशन, दूसरा है पेरेंट्स का एंड फोर्सिंग ऑफ पेरेंट्स, तो ये दो हैं इनके मेन आपके रीजंस। और इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, यहीं पे ही मैं कनेक्टर लगा रहा हूँ, हाउ एवर लगाऊंगा, जब लाइन के बीच में कनेक्टर लगता है कनेक्टर, तो इसके पहले और बाद में दोनों तरफ कॉमा आता है, हाउ एवर इसको सोल्व, इट माइट बी सॉल्व बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन, तो रिड्यूस हो नहीं सकता, आप कह सकते हो इंक्रीजिंग द सीट्स, ओके, या फिर आप इसमें एक बार नॉर्मल एक एक ही आप अपना दे दो, लाइक सॉल्व बाय अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तो ये इसका सलूशन है। बाकी जो दूसरा सलूशन है वो आपका अपने बीपी में आप लिख देंगे। एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, कई बच्चे मेरे को कमेंट में ऐसा कहते हैं भी सर आपने इसकी स्पेलिंग तो सही नहीं की। देखो लाइव लिख रहा हूँ, स्पेलिंग्स गलत होती हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो परफेक्ट है, तो इस चीज़ के लिए मुझे कोई भी बच्चा ऐसे कमेंट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो मत देखें, तो इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी बीपी की। देखो बीपी में क्या है, बीपी का आपका फर्स्ट है भी कॉजेज का बीपी, ठीक है, कॉजेज का बीपी है। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ भी जो आपके बीपी स्टार्ट करते हैं ना, टू बिगन टू कमेंस, उससे मत स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में कनेक्टर मत लगाएं, तो स्टार्टिंग में जस्ट डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, सो द मेजर कॉज, सीधा ऐसे नहीं लिखना देर आर मैनी रीजन, सीधा लिखो द मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस या फिर इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रेस ऑन टीनेजर्स इज, एक तो मैंने लिखा ऊपर था कंपटीशन वाला, उसी को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो कंटिन्यूज राइज ऑफ कंपटीशन लेवल, तो इसका जो लेवल है इन स्टडीज, तो इनके कारण सबसे पहला रीजन है ये, ओके। अब इसको करेंगे एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई बड़ा कनेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधा लिखूंगा दिस मीन्स डैट। अब कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, कंपटीशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे आपके यूपीएससी एग्जाम का, चाहे किसी कॉलेज में आपने सीट लेनी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लिखोगे। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और एक चीज ध्यान रखना, आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो एटलीस्ट 3 to 4 lines की होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और सिंगल लाइन में होनी चाहिए, उसमें आप अपने लाइक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर सकते हो एक्सप्लेनेशन में, तो वही चीज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, दिस मीन्स डैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एडमिशन एडमिशन इन फेमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट हैव टू वर्क हार्ड, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड उनको कंपीट करना पड़ता है बहुत सारे बच्चों के साथ, एंड हैव वर्क हार्ड एंड कंपीट विद थाउजेंड्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स, और बहुत से बच्चों के साथ उनको कंपीट भी करना पड़ता है, जो क्या है विच एक्सट्रीमली
विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल देन फॉर देम, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो ये तो आपको पता ही है, ऑब्वियस की बात, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और सीट्स होती हैं कम। तो ऐसा अब एक एग्जाम्पल दे, देखो यहाँ पे मैंने अब एक भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जो आपको पता ना हो। सो फैंसी वोकैबलरी तो आपने यूज ही नहीं करनी, नॉर्मल सी फॉर्मेशन रखनी है, नॉर्मल से वर्ड्स और नॉर्मल सी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी नॉर्मल सा दे रहा हूँ, आपने सर्वे वाला एग्जाम्पल तो डालना ही नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, ये है मेरा पहला कनेक्टर है पूरे बीपी का। तो फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर अबाउट 1 लाख रजिस्ट्रेशंस आर अप्लाइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर गेटिंग, किसके लिए, फॉर गेटिंग जस्ट 110 सीट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, द फील्ड ऑफ मेडिकल। देखो कुछ भी लिख सकते हो, बस आपका वो रेलेवेंट होना चाहिए आपके आइडियाज के साथ, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो। तो मैंने एक मेरे माइंड में जो एग्जाम्पल आया वो मैंने डाल दिया। तो ये आपका पहला पॉइंट हो चुका है एक्सप्लेन। अब आपका सेकंड पॉइंट था पेरेंट्स का प्रेशर। तो अब मैं लगाऊंगा अपना कनेक्टर नेक्स्ट, मोर ओवर पेरेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड। जब भी आपने सेकंड पॉइंट लिखना है तो आप इस चीज का जरूर यूज करना, मोर ओवर लगाओ, डैश आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर, सिग्निफिकेंट फैक्टर, ठीक है। कोई एडवांटेज है, डैश इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट एडवांटेज, डैश इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। दिस इज बिकॉज अब मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स क्या करते हैं, फोर्स करते हैं उन अपने बच्चों को भी, नहीं जो वो डिसाइड करेंगे वही सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं, वही सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं। जैसे दिस इज बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स टेंड टू फोर्स उन फोर्स करते हैं, टेंड टू फोर्स देअर चिल्ड्रन टू चूज सब्जेक्ट्स जस्ट टू शो ऑफ द सोसाइटी, जस्ट टू शो ऑफ द सोसाइटी। तो ये बात भी सही है, वो कहते हैं भी नहीं सोसाइटी को अच्छा लगना चाहिए भी, मेरा बच्चा मेडिकल है में है, मेरा बच्चा इंजीनियर में, चाहे उस बच्चे का इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, उनको वो चीज़ दिला देते हैं, उनसे वो पढ़ा नहीं जाता, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। देखो ये अब बीपी थोड़ा आई थिंक थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको लगता है बड़ा हो रहा है तो अपने तरीके से आप उसको छोटा कर दें, ठीक है। और इसमें क्या है, वो क्या करते हैं, वाइल पर्सनल, जो पर्सनल इंटरेस्ट है बच्चे का, सो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड बाय देम, और उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इग्नोर कर दिया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब इससे होता क्या है आपका थोड़ा सा रिजल्ट, देयरफॉर इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ। तो ऑब्वियस है स्ट्रेस तो मेंटली होता है बच्चे को, सो मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर, जो उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ओके, नेगेटिवली यहाँ पे लिखना है, नेगेटिवली, दैट्स इट। तो ये है आपका बीपी नंबर फर्स्ट, बिल्कुल नॉर्मल सी फॉर्मेशन है, इसमें मैंने कोई भी बड़ी वोकैबलरी, कोई भी बड़ी सेंटेंस फॉर्मेशन यूज नहीं की, जस्ट डायरेक्ट पॉइंट पे लिखा है, डायरेक्ट पॉइंट का एग्जांपल दिया है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की है, फालतू की चीजें नहीं लिखी, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट की, ठीक है। अब नेक्स्ट बीपी आपको
स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट क्या था, इसके सॉल्यूशंस थे। अब नेक्स्ट क्या थे, इसके सॉल्यूशंस थे। तो सॉल्यूशंस में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था भी, एक तो सॉल्यूशन देखो, पहला था आपका एकेडमिक वाला भी, कंपटीशन वो होता है। अब उसका सॉल्यूशन पहले दो, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट करूँगा वैसे ही। सो प्रेशराइज्ड, तो जो प्रेशराइज्ड प्रॉब्लम ऑन चिल्ड्रन कैन बी सॉल्व्ड बाय रिड्यूसिंग द कट ऑफ परसेंटेज। सो कट ऑफ परसेंटेज बाय इंस्टीट्यूट्स। तो चिल्ड्रन की जो प्रेशराइज प्रॉब्लम है वो इस चीज़ से भी कम हो जाएंगी अगर जो उनकी कट ऑफ होती है, लाइक एडमिशन के लिए कट ऑफ होती है ना, इतने परसेंट मार्क, 99%, 97%, अगर वो थोड़ी रिड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है बच्चों के ऊपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जो बच्चे नहीं इतना ज़्यादा कर पाते, उनसे फैमिली का प्रेशर भी होता है, उनको ये भी होता है हम भी पढ़ें अच्छे कॉलेज में, तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लोअर्स द थ्रेशहोल्ड होता है उनकी जो कट ऑफ की हाईएस्ट परसेंटेज, थ्रेशहोल्ड ग्रेड, अगर उसको लोअर कर लें, हाइयर परसेंटेज को थोड़ा लो कर लें, किसकी होती है, रिगार्डिंग द एडमिशंस, जो एडमिशंस के रिगार्डिंग होती है, इट वुड, तो इससे क्या होगा, इट वुड बी अ बिग रिलीफ फॉर चिल्ड्रन। और इससे क्या होगा, उनके लिए बिग रिलीफ मिलेंगी एंड ए वास्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, वास्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स गेट चांस टू स्टडी इन प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटीज। ओके, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, उनको रिलीफ मिलेगा और बहुत से स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का, तो उन्हें भी चांस मिल जाएगा। और दूसरा था आपका पेरेंट्स का प्रेशर, अब वो भी रिलीफ करते हैं। सो मोर ओवर, पेरेंट्स के साथ अगर कनेक्शन अच्छा हो, उनके इंटरेस्ट को देखा जाए, बच्चे के इंटरेस्ट को, तो वो चीज़ सॉल्व आउट हो सकती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स शुड लेट देयर चिल्ड्रन टू मेक मेक कैरियर चूज रैदर देन फोर्सिंग देमसेल्फ। तो उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए रैदर देन उन्हें फोर्स करने से, तो उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए। पेरेंट्स शुड लेट देयर चिल्ड्रन फ्री टू मेक कैरियर चूज, ठीक है, करियर चूज के लिए उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, उसके बाद रैदर देन फोर्सिंग देम, ठीक है। इससे क्या होगा, सो एज ए रिजल्ट इससे क्या होगा, चिल्ड्रन कैन परफॉर्म वेल इफ दे स्टडी द सब्जेक्ट्स स्टडी द सब्जेक्ट्स in which they are interested, जिनमें इनका इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको अच्छा लगेगा और परफॉर्म वेल करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा लिख दो, फॉर इंस्टेंस कोई भी एग्जाम्पल सर डाल दो भी, लाइक फोर्स नहीं किया उसने, अच्छा परफॉर्म कर दिया। मैं पर्सनल एग्जाम्पल आपको डाल के दिखाता हूँ, देखो। सो माई ब्रदर
चूज्ड द स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स इन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. ओके, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. नाउ ही इज अ मैनेजर इन सिविल बैंक. तो उसको चूज करने दी गई अपनी लाइन आर्ट्स की, तो आज वो एक बैंक में मैनेजर लग चुका है. और इस इसका एग्जाम्पल के साथ थोड़ा रिलेशन ऐसे बने. हाउ एवर हिज पेरेंट्स ऑल्सो स्पॉटेड हिम. हालांकि उसके पेरेंट्स ने भी इसका सपोर्ट किया था. वाइल डिसाइडिंग दिस लाइन ऑफ एकेडमी, तो उसके पेरेंट्स ने उसको रोका नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसको रोका नहीं. और जिसके कारण क्या हुआ, वो आर्ट्स में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी था, और वो सिविल बैंक में आज मैनेजर लग चुका है. तो जरूरी नहीं मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही कामयाब हों. अगर बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वो नॉर्मल आपके जो लाइंस होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, उसमें भी कामयाब हो जाता है. अब बात है कंक्लूजन की. कंक्लूजन में बच्चे मिस्टेक ज़्यादातर यही करते हैं स्टार्टिंग में. टू इन ए नटशेल, इन ए समरी, टू रिकैप्चुलेट, ऐसे वर्ड कभी मत डालना. IDP कहता है सिर्फ टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, ये दोनों वर्ड से ही आपका कंक्लूजन लिखा जाएगा. अब कंक्लूजन में मैं हमेशा जो ऊपर पॉइंट्स दिए जाते हैं वही मैं अपनी कंक्लूजन में लिख देता हूँ. ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ. इन रीसेंट डेज, जैसे ऊपर कंपटीशन बढ़ रहा था और फोर्स कर रहे थे पेरेंट्स, ये रीजंस हैं. सो इन रीसेंट है कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड एंड फोर्सिंग चिल्ड्रन टू टेक एकेडमिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो क्रिएट प्रेशर ऑन चिल्ड्रन. ठीक है, ये चीज़ें क्या करनी है, चिल्ड्रन पे प्रेशर बना रही है. अब इसको सॉल्व कैसे करना, जो ऊपर लिखा है वही चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो. ऑन द अदर हैंड इट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय, वही चीज, डिक्रीजिंग द एडमिशन परसेंटेज, एकेडमिक परसेंटेज को डिक्रीज किया जाए इन यूनिवर्सिटीज, और दूसरा बॉन्डिंग एंड बाय गुड बॉन्डिंग अमंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. तो यहाँ पे आपको लग सकता है भी इसकी जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो गई है, तो मुझे भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था. आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा जैसे भी करना है आप कर सकते हो. ठीक है, एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूं भी, मेरा जो 15 डेज का एकेडमिक क्लासेस का बैच है वो स्टार्ट है, जिसमें मैं टास्क 1 कंप्लीट और टास्क 2 कंप्लीट, मैं ऐसे जैसे यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वैसे ही हर एक टाइप का टास्क 1 और हर एक टाइप का टास्क 2 इन 15 डेज में कंप्लीट करवाऊंगा. और विद IDP रूल्स, जो IDP के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ, दिखाता हूँ उनको. ठीक है, इन दिन इन इनकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे डेली के, 2 मॉक टेस्ट डेली के. ठीक है, और इन 15 डेज की फीस है 1500. क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 4-5 लेक्चर हो भी चुके हैं. अगर अब भी किसी बच्चे को ज्वाइन करना हो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे. और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जिस बच्चे ने भी ये मेरा बैच ज्वाइन कर लिया उसको आइल्स राइटिंग के लिए किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन करना हो तो 8168321916 एंड 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर ऑनलाइन राइटिंग क्लास लिख के व्हाट्सएप कर देना ओनली. ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें. थैंक यू सो मच.